खबर मेरठ से। मेरठ थाना मवाना क्षेत्र में पुत्र वधु ने जमीनी विवाद के चलते अपने ही ससुर को ही सुपारी देकर मौत के घाट उतारवा दिया। वहीं पुलिस ने आज 22 दिन बाद किया घटना का खुलासा। एसपी क्राइम ने खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना की मास्टरमाइंड पुत्रवधु ने ही सुपारी देकर अपने ससुर की हत्या कराई थी। साथ ही पुलिस ने मास्टरमाइंड पुत्रवधु शालिनी साथ साथ 5 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी क्राइम ने बताया कि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं पुत्रवधु ने अपने ससुर को मारने के लिए बदमाशों को 5 लाख की सुपारी दी थी, जिसमें 1,50,000 रुपये एडवांस दे दिए थे, जिसके बाद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। तभी से पुलिस इस घटना के खुलासे में लगे हुए थे। देखिए, ये 28/6/2021 की घटना थाना मवाना क्षेत्र की है, ततीना गांव की है। एक कृषक था, करीब 60 वर्ष का, जो है प्रातः जो है वो खेत में पानी लगा करके आ रहा था और गांव के पास ही जो है अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। जो है ये एक सनसनीखेज वारदात थी, इसको लेकर के चूँकि एकदम प्रातः भोर में ही घटना हुई थी, गाँव में आक्रोश भी था। इसको घटना के बाद उसके मृतक के छोटे बेटे द्वारा जो है अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस के लिए इस घटना के खुलासे को लेकर के बड़ा दबाव था जो है, और पुलिस और हमारे क्राइम ब्रांच की एसओजी टीम ने इस पर जो है लगातार काम करना शुरू किया। मुखबिर एवं जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें हम लोगों ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है घटना की, जो मृतक है उसकी बड़े बेटे की पत्नी यानी उसकी पुत्र वधु जो है शालिनी, उसका पिता, उसका भाई और इन लोगों ने मिल करके जो है 1-6 लाख रुपए में मामला जो है शूटर के माध्यम, जुल्फकार एक है, जुल्फकार ने जो है एक मौजी व्यक्ति को मिलवाया जिसने शूटर की व्यवस्था किया जो है, और 6 लाख रुपए में जो है ये तय हुआ और करीब 1.5 लाख रुपये जो है इनको एडवांस में आ गए थे जो है, और 2 शूटर जो है अपने बाइक के साथ और जुल्फकार जो बीच में बिचौलिए का काम किया था वो सब मिल करके आए और प्रातः इस घटना को अंजाम दे करके चले गए। और इसमें जो है एक विपिन नाम का व्यक्ति जो ततीना गांव का ही रहने वाला है, उसने जो है लगातार इनकी जो है लोकेशन, जो शालिनी उसकी पुत्रवधु थी वो मृतक के का उसका लोकेशन, आना जाना, कब कहाँ आता जाता है, सारी सूचनाएँ जो है वो इन्हें देता रहता था। जो तो इस तरह से एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ, इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो है, और अभी 2 शूटर की गिरफ्तारी शेष है, जिन पे हम लोग टीमें बना करके अब उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे। बिल्कुल, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है टीम को उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार दिए जाने के लिए बताया गया है। इनको बिल्कुल जो है इस इन्होंने एक सनसनीखेज वारदात का बहुत सही खुलासा किया है, इनको जो है उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार दिया जाएगा।